शाम का छोटा मोटा भूख हो या जब कभी कुछ टेस्टी चटपटा खाने का मन करे तो हेल्दी और टेस्टी मखाने की चाट जरूर ट्राई करें सभी को काफ़ी पसंद आएगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो चलिए मखाने की चाट बनाना हम शुरू करते हैं हमें गैस पर चढ़ा देना है पैन को इसमें डाल देना है एक चम्मच घी घी मेल्ट हो चुका है अभी हमें इसमें डाल देना है मखाने को मैं एक कप मखाना ली हूँ अभी हमें इसे चलाते हुए भूनना है गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है थोड़े थोड़े देर में हमें मखाने को चला लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें आप चाट बनाते समय भी नमक को डाल सकते हैं अभी वापिस हमें इसे चला लेना है हमें इसे धीमे धीमे हीट पर भूनना है हमें मखाने को जब तक भूनना है जब तक मखाने एकदम क्रिस्पी ना हो जाए इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है जितने अच्छे से आप मखाने को भूनिएगा जितना क्रिस्पी बनाइएगा उतना ही क्रिस्पी आपका चाट बनेगा इसीलिए मखाने को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चला लेना है मखाने को भूनने में दो से तीन मिनट का समय लगेगा इतने देर में मखाने भून जाते हैं एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं अभी हमें मखाने को चेक कर लेना है कि क्रिस्पी हुआ है कि नहीं इस तरीके से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो चुका है अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है इसे हल्का ठंडा होने देना है अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ खीरा आधा बारीक कटा हुआ टमाटर आधा बारीक कटा हुआ प्याज आपको जो भी सब्जी पसंद है उसे डालें जो नहीं पसंद है उसे आप स्कीप कर सकते हैं एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता आधा चम्मच हमें डाल देना है चाट मसाला पाउडर और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा नींबू का रस अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है हेल्दी के साथ साथ काफ़ी चटपटा लगता है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें अभी हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे तुरंत ही सर्व कर देना है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए आप रख दीजिएगा तो ठंडा होने के बाद ये खाने में उतना क्रिस्पी नहीं लगेगा अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग